और इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां सोनभद्र में एक बार फिर घिनौना वारदात दलित के ऊपर। जी हां, भारी पुलिस बल के साथ जुगैला थाना क्षेत्र के घटीहटा गांव पहुंचे एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह, पीड़ित से मामले की ली जानकारी, ग्रामीणों से भी घटना के संबंध में की पूछताछ। दोनों पक्ष एक दूसरे के परिचित। एसपी ने बताया 11 जुलाई का है मामला। आरोपी जवाहर पटेल और उसके एक साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। घटना को लेकर डीआईजी विंध्याचल पीड़ित से मिलने पहुंचे घटीहटा। 11 जुलाई को शराब पीने के दौरान आरोपी जवाहर पटेल और दलित शख्स में हुई थी कहासुनी। बिजली के तार को जोड़ने के दौरान इकट्ठा हुए थे कई लोग। आरोपी जवाहर पटेल ने दलित के कान में कर दिया था पेशाब। मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया था घटना का वीडियो, आज हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। गांव के ही लोकल ग्रुप में वायरल हुआ था वीडियो। वंदे भारत न्यूज के लिए सोनभद्र से विकास कुमार की रिपोर्ट। एक वीडियो वायरल हो रही है, ये क्या पूरा प्रकरण है जो पेशाब करने का, कानून पेशाब करने का मामला प्रकट है? जनपद सोनभद्र में थाना जुगेल के घटेटा गांव के अंतर्गत का ये मामला है, दो दिन पहले का मामला है। अभी वादी से भी बात हुई है, इसमें जो पीड़ित है उसने भी बताया कि 11 तारीख की ये घटना है। इसमें जो अभियुक्त है और जो पीड़ित है दोनों एक दूसरे के परिचित हैं, और दोनों ने जो वादी है, वादी ने बताया है कि दोनों ने साथ में बैठ के उस दिन ड्रिंक किया है और साथ में खाया है। फिर किसी बात को लेके इनकी आपस में कहासुनी हो गई, और इसमें जो पटेल बिरादरी का आदमी है जोहार पटेल, उसने बता रहे हैं कि इसके कान में, जो कोल बिरादरी का है, इसके कान में उसने पेशाब किया है। लेकिन वादी ने बताया, जो पीड़ित है, कि उस दिन ये शराब के नशे में था, इसे इस बात का पता नहीं चल पाया कि मेरे साथ में क्या घटना हुई है, इसलिए इसने पुलिस को भी तब सूचना नहीं दी। आज जब वीडियो वायरल हुआ है तब इसे जाके पता चला है कि 11 तारीख को उसके साथ में क्या घटना हुई थी। पुलिस को भी मामला तभी संज्ञान में आया है, और तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए जिस अभियुक्त ने, जिस आदमी ने, जोहर पटेल ने जो घटना की है उसके कान में पेशाब करने की, उस आदमी को, उसके साथ में जो एक और आदमी था उसको गिरफ्तार किया गया है, और वादी को साथ में लेके अभी तहरीर लेके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और डीआईजी महोदय भी इसमें